just like this video and just hit the subscribe button as well on YouTube. Myself Ravi Sharma. और मैं बहुत बहुत thanks करना चाहूँगा खुश अग्रवाल जी का. उनका जिम फैसिलिटीज इट्स वेरी गुड हेयर एंड द फिटनेस वर्ल्ड जिम यू कैन ज्वाइन हेयर मथुरा में. एंड वी हैव आर पेड पार्टनरशिप विद द वर्तमान विच इज़ हैविंग द चैनल पार्टनरशिप विद द एंजल ब्रोकिंग. एंड डू फॉलो इट गाइज. और इस ड्रिल्स को ज़रूर कीजिए. जैवलिन थ्रोअर्स तो डिस्कस थ्रोअर्स और क्रिकेटर्स स्पेशली. थैंक यू सो मच खुश अग्रवाल जी, आपने मेरे को ये जिम फैसिलिटीज प्रोवाइड की. आप कुछ प्लीज हैव सम वर्ड्स विद अस. थैंक यू सो मच रघु भैया, थैंक्स फॉर विजिट. ऐसे ही आप काम करते रहो, जितना सपोर्ट हम लोग से होगा हम लोग करेंगे. और बाकी जिस लोग को मथुरा में जो लोग हैं जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी आफ्टर लॉकडाउन तो ओवर हो ही गया है, बस गाइडलाइंस का हम लोग वेट कर रहे हैं, तो आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो. Hi guys, myself Raghu Sharma, मैं हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट. और आज हम करेंगे बात कि फास्ट बॉलर्स के लिए फेशिया ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है. हम लोग सोचते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर्स के ऊपर काम करेंगे, अपने स्लो ट्विच मसल फाइबर्स और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स पे काम करेंगे. तो आज मैं बताऊँगा कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम फेशिया को भी ट्रेन करें. तो फेशिया क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझाता हूँ. फेशिया एक्चुअली एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत ही थिक रहे तो बहुत ही डायनेमिक और स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी में एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाता है. एक एथलीट को रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट RFD पे काम करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज एक्सप्लोसिवनेस. तो उसके रिगार्डिंग फास्ट बॉलर्स के लिए, और मे बी आप एक डिस्कस थ्रोअर हैं या एक जैवलिन थ्रोअर हैं, उसके लिए जो है क्या क्या ड्रिल्स इंपॉर्टेंट है करने के लिए, और कैसे हम फेशिया को एक्टिवेट कर सकते हैं, फेशिया के ऊपर काम कर सकते हैं ताकि वी कैन प्रिपेयर अ मोर डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग फेशिया. क्योंकि ये फेशिया जो है बनाना ज़रूरी है. और अगर वीक फेशिया रहेगा तो वो बहुत ही थिन लेयर का फेशिया रहेगा, और थिन लेयर से क्या है कि आपके अंदर एक्सप्लोसिवनेस नहीं आएगी और आपको मसल्स के वो इतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा. तो सपोर्ट ना मिलने से मसल्स जो है इंजरी प्रोन हो सकते हैं. तो आइए थोड़ी सी बात करें कि एक्चुअल में फेशिया को ट्रेन कैसे करना है. तो फर्स्ट फील रहेगी, ये आप देख रहे हैं एक बैंड है, मैंने बैंड को अपनी वेस्ट के अराउंड बांधा है. और ये बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी ड्रिल है, क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर्स को क्या है, ड्रिबल करना पड़ता है अपने प्लेयर्स के हिसाब से, उसके बाद में जो है उनको थ्रो करना है ताकि बास्केट हो सके. स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत अच्छी ड्रिल है, क्योंकि इसमें क्या है आप क्विकली आप अपनी बॉडी का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं. तो इस ड्रिल को देखिए, दो वेरिएशन है. सबसे पहली वेरिएशन क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये है सेकेंड ड्रिल. सो आप देख सकते हैं मैंने बैंड को जो है ज़्यादा और अपना लंच पोजीशन में आके थोड़ी सी अपनी जो स्टोर इलास्टिसिटी है उसको रोकने की कोशिश करी. और उसमें क्या किया, उसके बाद में फिर मैंने शोल्डर स्पेयर्स की मदद ली. हमारे पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है शोल्डर स्पेयर्स का. ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर पोस्टीरियर चेन एज वेल एज योर इंटीरियर चेन मसल ऑफ योर रोटेटर कफ्स. तो ये आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर चेन रोटेटर कफ की दोनों को एक्टिवेट करेगा, जो फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो बॉल करता है तो पोस्टीरियर चेन और एंटीरियर चेन स्पेशली उसके डेल्ट्स और पेक मसल्स जो हैं वो भी जो है एक्टिवेटेड रहने के. तो ये आप जरूर ड्रिल कीजिए सेकंड वन. सो गाइस डू ज्वाइन द फिटनेस वर्ल्ड जिम, ओनर खुश अग्रवाल. एंड द एड्रेस ऑफ दिस जिम इज ऑपोजिट विपिन नर्सिंग होम नियर कृष्णा नगर मथुरा. सो डू ज्वाइन इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.